welcome back to the channel and this is Neha from SDCA. As you all know, we have already started with YouTube free series and in the first video, I've already introduced you all with the paper pattern of English HSC syllabus. Now, I'm going to start with the actual syllabus, that is section number 1, chapter number 1, titled as An Astrologer's Day. अब आपको तो पता ही होगा कि astrologers होते क्या हैं, तो वो जो भविष्यवाणी नहीं देखते, हम बोलते हैं वो साधु के पास जाना है, अपना हाथ दिखाना, अपनी फेस रीडिंग. आजकल तो आपको वो मॉल्स में, नहीं तो रेस्टोरेंट के सामने, नहीं तो मार्केट्स में कहीं ना कहीं मिल ही जाते हैं. लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ, एक चैप्टर ये स्टार्ट करने से पहले, कि क्या उनकी कही गई बातें सच्ची होती हैं या नकली में बस वो ऐसा बोल देते हैं पैसे कमाने के लिए. चलो, इसका आंसर आप लोग मुझे चैप्टर खत्म होने से पहले कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे और आपके कमेंट पे मैं डिसाइड करूंगी कि मैं अपना एस्ट्रोलॉजर्स डे करूं या ना करूं, अपने हाथ या फेस रीडिंग एस्ट्रोलॉजर से दिखाऊं या ना दिखाऊं. चलो, अब आ जाते हैं चैप्टर पे. तो एस्ट्रोलॉजर्स तो जैसे टर्म जो है वो सबको ही पता होगा, ज्योतिषवाणी बोलते हैं जिन्हें, या भविष्यवाणी देखने वालों को बोलते हैं. अब ये कुछ आइस ब्रेकर्स की एक्सरसाइजेस हैं जो आप खुद कंप्लीट करेंगे. वी विल गोना स्टार्ट विद द एक्चुअल इंट्रोडक्शन ऑफ द राइटर विच इज नेम्ड एज आर के नारायण 1906 to 2001. ठीक है, तो हमारे ये जो राइटर है इस चैप्टर के, जो राइटर उनका नाम क्या है, आर के नारायण. अब देखो इनका थोड़े से इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं एंड देन वी विल स्टार्ट विद द चैप्टर. आर के नारायण 1906 to 2001, रासीपुरम कृष्ण स्वामी अय्यर नारायण स्वामी इज वन ऑफ द बेस्ट नोन नोवलिस्ट अमंग इंडियन इंग्लिश राइटर्स. तो ये एक बेस्ट नोन इंडियन इंग्लिश राइटर्स हैं. इनका पूरा नाम देखो कितना बड़ा है, रासीपुरम कृष्ण स्वामी अय्यर नारायण स्वामी. ओके, तो शॉर्ट फॉर्म डज आर के नारायण. He is the author of 14 novels, 5 volumes of short stories and a number of travel logs. तो इनने बहुत सारी बुक्स लिखी है जिसमें कि आपकी 14 novels आती है, 5 volume of short stories आती है and बहुत सारे travel logs भी इनने लिखे हैं. And has a collection of non-fiction to his credit. तो ये सारी कहानी नहीं, उन्होंने non-fiction based books भी लिखी है. He also has written his memoir, My Days, 1975. Narayan has created the imaginary town of Malgudi, where realistic characters in a typically Indian setting lived amid unpredictable events. तो आप देखो, हमारे ये जो राइटर का तो इंट्रोडक्शन हो गया, उन्होंने कौन सी बुक लिखी है. अब हमारी जो स्टोरी है ना बेटा, ये कौन से टाउन में सेट की गई है, तो इट इज एन इमेजिनरी टाउन, नाम जिसका क्या है, मालगुड़ी, जहां पे इनने ऐसे रियलिस्टिक कैरेक्टरिस्टिक्स डाले है ना कि जब आप रीड करोगे तो ऐसा लगेगा हाँ यार ये कुछ असली कहानी है, बेस्ड ऑन ट्रू स्टोरी है. बट इज इट एक्चुअली अ ट्रू स्टोरी? नो, इट इज एन इमेजिनरी स्टोरी. His stories are grounded in compassionate humanism and celebrate the humor and energy of ordinary life. ऑर्डिनरी लाइफ को कैसे जीना चाहिए खुशी खुशी, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, उसका सिग्निफिकेंस क्या है, ये सारी चीजें हमें अपने चैप्टर में देखने को मिलेंगी. हिज स्टोरीज आर कैरेक्टराइज्ड बाय अ सिंपल स्टाइल एंड सबटल स्पिरिट. ऐसा नहीं है कि धूम धड़ाके वाली स्टोरी है, इट इज वेरी सिंपल एंड सबटल और आपको आपसे कनेक्ट करने वाली स्टोरी ये ऐसा है. Narayan was introduced to American readers in 1952 by the Michigan State University Press. तो ये हमारे सिर्फ इंडिया में फेमस नहीं है, ऑल ओवर द वर्ल्ड ही इज नोन एज आर के नारायण, जिनकी बहुत सारी स्टोरीज फेमस हुई हैं. दीज इंक्लूड, और वो फेमस स्टोरीज हैं क्या, स्वामी एंड फ्रेंड्स, द बैचलर ऑफ आर्ट्स, द डार्क रूम एंड एस्ट्रोलॉजर्स डे एंड अदर स्टोरीज, 1947, मिस्टर संपत, द फाइनेंशियल एक्सपर्ट, वेटिंग फॉर द महात्मा, द गाइड एंड मेनी अदर बुक्स. तो ये इतनी सारी बुक्स इन्होंने लिखी हैं जिसके वजह से ये वर्ल्ड वाइड फेमस हुए थे. अब देखो, हिज नोवेल द गाइड वन हिम द साहित्य अकेडमी अवार्ड इन 1961. तो ये साहित्य अकेडमी अवार्ड के विनर भी रह चुके हैं, कौन से ईयर में, 1961 में, द मोस्ट कोवर्टेड लिटररी ऑनर इन इंडिया. हिज राइटिंग इज डिस्टिंग्विश्ड बाय ह्यूमर एंड अनऑफेंडिंग आयरनी, अ यूनिक इंडियननेस एंड अ सिंप्लिसिटी विच इज अटरली चार्मिंग एंड ऑथेंटिक. देखो, हर राइटर की ना कुछ खासियत होती है, तो
तो तुमने देखा अगर जो नॉवेल्स में जॉनर होते हैं तो एक डायरेक्टर अगर स्टंट की कोई मूवी है तो वो एक फेमस डायरेक्टर ही होता है जो स्टंट वाली मूवी बनाता है, एक फेमस डायरेक्टर होता है जो सिर्फ हॉरर की मूवी बनाता है, तो हर की एक ना स्पेशलिटी रहती है। वैसे हमारे आर के नारायण की क्या स्पेशलिटी है, तो ये जो भी स्टोरीज लिखते हैं ना इट इज फिल्ड विद ह्यूमर एंड अनऑफेंडिंग आयरनी। ऐसी आयरनी मतलब अच्छा ऐसा हो गया तो ऐसा भी हो सकता है काइंड ऑफ आयरनी भी देखने को मिलेगी इन अ ह्यूमरस वे, एंड इट इज अ वेरी सिंपल एंड लेम स्टोरी जो कि आपको बिलीवेबल लगेगी। ऐसा नहीं होगा कि नहीं ऐसा तो हो ही नहीं सकता, बिलीवेबल होगी। नारायण टिपिकली पोर्ट्रेस द पेक्यूलैरिटीज ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप्स एंड द पैराडॉक्सेस ऑफ इंडियन डेली लाइफ। तो जो आप डेली लाइफ में एक्सपीरियंस करते हैं वही आप स्टोरी के द्वारा महसूस करेंगे। हिज स्टाइल इज ग्रेसफुल मार्क्ड बाय जेन्युइन ह्यूमर एलिगेंस एंड सिंप्लिसिटी। तो ये सारी चीजें आपको इनके राइटिंग में देखने को मिलेगी। आगे का लेक्चर कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देती हूँ कि हमारी जो SGCA के लेक्चर्स होते हैं ना वो दो टाइप के होते हैं, एक YouTube सीरीज जैसा कि आप मुझे अभी देख रहे हैं एंड दूसरा प्रीमियम ऑनलाइन लाइव क्लासेस। प्रीमियम ऑनलाइन लाइव क्लासेस में आपको दिखाए गए फैकल्टी से आप जी मीट पे फेस टू फेस बात करते हैं एंड दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है तो आपको यहाँ पे ऑनलाइन बैकअप प्रोवाइड किया जाता है। प्रीमियम बैचेस की कुछ और भी फैसिलिटीज हैं जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं एंड यू आर प्रोवाइडेड विद हार्ड कॉपी नोट्स। द कोर्सेज विच आर ऑफर्ड बाय SGCA आर 11th 12th BCom एंड CA फाउंडेशन। सो फॉर एडमिशन एंड मोर डिटेल्स यू कैन कॉल अस और व्हाट्सएप ऑन द नंबर शोन ऑन द स्क्रीन। चलिए फिर आगे का लेक्चर कंटिन्यू कर। तो चलो ये तो हो गया हमारे राइटर का इंट्रोडक्शन, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द स्टोरी। एंड एस्ट्रोलॉजर्स डे punctually at midday he opened his bag and spread out his professional equipment which consisted of a dozen cowrie shells, a square piece of cloth with obscure mystic charts on it, a notebook and a bundle of timbra writing। तो आपने कभी भी देखा होगा कि एक एस्ट्रोलॉजर के पास कैसे एक फोटो लगी होती है भगवान की, एक ऐसे एक पेपर होता है जिसपे आर सी चीजें लिखी रहती है स्टार्स एंड यूनिवर्स के बारे में जो आपको कभी समझ ही नहीं आती है। तो अलग अलग चीजें ऐसी रहती है जिसकी वजह से फील आता है यस ही इज एन एस्ट्रोलॉजर और शी इज एन एस्ट्रोलॉजर। तो वैसी हमारी स्टोरी स्टार्ट होती है दोपहर के 12 बजे से, जहां पे ये जो पर्सन के बारे में बात की गई है वो अपने जगह पे बैठते हैं और धीरे धीरे अपने बैग से सामान निकाल के अपनी सारी चीजें सेट कर रहे होते हैं जिसमें काउरी शेल्स होते हैं, क्लॉथ होता है, वो बुक होती है, बंडल ऑफ पांड्रा राइटिंग होती है। हिज फोरहेड वॉज रिप्रेजेंटेड विद सेक्रेड एश एंड वर्मिलियन एंड हिज आईज स्पार्कल्ड विद अ शार्प एबनॉर्मल ग्रीन विच वॉज रियली एन आउटकम ऑफ अ कंटिन्यूअल सर्चिंग लुक फॉर कस्टमर्स बट विच हिज सिंपल क्लाइंट्स टुक टू बी प्रोफेटिक लाइट एंड फेल्ट कंफर्टेड। तो आप देखो वो बैठ गए वहां पे एकदम उनकी सेटिंग हो गई है। अब देखो एस्ट्रोलॉजर कैसे वो ऑरेंज कलर का, तुमने वो भूल भुलैया में देखा होगा कैसे वो ऑरेंज कलर का कपड़ा बांध के रेड कलर का एकदम ऐसे कुर्ता पजामा पहन के घूमते रहते हैं। तो काइंड ऑफ वो भी वैसे ही थे, हमारे जो राइटर के कैरेक्टर है वो भी ऐसे थे जिनने अपने माथे पे एक एश लगा रखा था और उनकी एक जो आईज है ना उसमें अलग ही चमक थी और वो चमक थी कैसी कि कोई भी कस्टमर जैसे आप चाहते हो ना विश करते हो कि यार वो मेरे पास आ जाए, उसको अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हो अपने पास कि आ जाए ताकि मेरी कमाई हो सके, कुछ तो भी फायदा हो सके। तो काइंड ऑफ वो लाइट हमें अपने कैरेक्टर में भी देखने को मिलती है, लेकिन ये लाइट इनके लिए कस्टमर ढूंढने वाली थी, लेकिन जो कस्टमर्स थे उनके लिए ये लगता था कि क्या पता नहीं इसमें भगवान बसते हैं इसलिए इनकी आंखें ऐसी चमकती है, या अलग अलग बिलीव थे उनके कस्टमर के जिसके वजह से वो कंफर्ट फील करते थे। द पावर ऑफ हिज आईज वॉज कंसिडरेबली इनहांस्ड बाय देयर पोजिशन placed as they were between the painted forehead and the dark whiskers which streamed down his cheek। और वो चमक में add on हो रही थी जो इनके माथे पे ash लगा था, जिस तरह से उनके cheeks का structure था उसकी वजह से ये धीरे धीरे enhance हो रहा था, वो जो gleam था वो increase हो रहा था। Even a half wet eyes would sparkle in such a setting। कहने का मतलब क्या कि आंखें अगर आधी भी खुली हो ना तो भी इतना चमकेगी जिस तरह से उस टाइम की वो सेटिंग थी। टू क्राउन द इफेक्ट ही वोंड अ सैफ्रन कलर टर्बन अराउंड हिज हेयर। तो ये सारी अगर थी
उस लुक को और एनहांस करने के लिए, क्राउन करने के लिए उन्हें एक टर्बन पहनी थी सैफरन कलर की, काइंड ऑफ ऑरेंज कलर की. दिस कलर स्कीम नेवर फेल्ड और ये कस्टमर्स को अट्रैक्ट करके ही रहते थे. ये जो सेटिंग्स ही होती थी ना, ऐसा लगता था यार नहीं अब तो जाना ही पड़ेगा, अपना हाथ नहीं तो मुंह दिखाना ही पड़ेगा. पीपल वर अट्रैक्टेड टू हिम एज बीज आर अट्रैक्टेड टू कॉस्मोस और डालिया स्टॉक्स. तो जिस तरह मधुमक्खियां फूल की तरफ अट्रैक्ट होती है ना, उस तरह इस एस्ट्रोलॉजर से कस्टमर्स अट्रैक्ट हो जाते थे. ही sat under the boughs of a spreading tamarind tree which flanked a path running through the town hall park. अब इनकी जो सेटिंग थी या इनकी जो जगह थी वो कहां थी, इस पेड़ के नीचे थी जिसकी घनी घनी ब्रांचेस थी, वो उसके नीचे बैठते थे और उसी के आगे से टाउन हॉल जाने का रास्ता निकलता था. काइंड ऑफ मेन स्ट्रीम जहां से लोग आते जाते रहते कंटिन्यूसली, वहीं पे इनकी ये जगह थी ताकि ज्यादा से ज्यादा कस्टमर वो अट्रैक्ट कर सके. इट वॉज अ रिमार्केबल प्लेस इन मेनी वेज. अब वो जो जगह है ना उसकी अलग अलग ही खासियत थी, देख लेते हैं क्या. A surging cloud always moving up and down this narrow road from morning till night. वो एक ऐसा रास्ता था जहां पे भीड़ कभी कम होती ही नहीं थी, कभी कहीं ना कहीं लोग आ रहे होते हैं जा रहे होते हैं, मतलब उस रास्ते पे हमेशा भीड़ रहती थी. A variety of trades and occupations was represented all along its ways. तो बहुत सारे ठेले या मेले में आप बाजार में देखते हैं कैसे स्टॉल्स लगे रहते हैं, वैसे उस रास्ते पे अलग अलग प्रकार के ठेले और स्टॉल्स लगे हुए थे. मेडिसिन सेलर्स, सेलर्स ऑफ स्टोलन हार्डवेयर एंड जंक, मैजिशियंस एंड अबव ऑल एन ऑक्शनियर ऑफ चीफ क्लॉथ हु क्रिएटेड इनफ देन ऑल डे टू अट्रैक्ट द होल टाउन. तो ऐसा नहीं है कि वो वहां पे जो भीड़ होती थी वो बस अपने किसी भी ऐसे रैंडम रीजन की वजह से होती थी, उसके भी अलग अलग रीजन है. वहां पे जो पर्टिकुलर स्टॉल्स थे ना उसके वजह से वहां पे बहुत ज्यादा भीड़ लगी रहती थी, जिसमें कि एक आते हैं हमारे कपड़े बेचने वाले, ठीक है, जिनके कॉलिंग, जिनके वे ऑफ सेलिंग से बहुत ज्यादा क्राउड अट्रैक्ट होती थी. और एक दुकान में अगर क्राउड अट्रैक्ट हो रही है तो उसके आगे और पीछे वाली जो दुकानें हैं उनका भी बिजनेस अपने आप ही बढ़ जाता है. नेक्स्ट टू हिम इन बॉसी फेरिशनेस केम अ वेंडर ऑफ फ्राइड ग्राउंड नट हु गेव हिज वेयर अ फैंसी नेम ईच डे, कॉलिंग इट बॉम्बे आइसक्रीम वन डे एंड ऑन द नेक्स्ट डेली आलमंड एंड ऑन द थर्ड राजाज डेलिकेसी एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ एंड पीपल फ्लॉक टू हिम. तो एक और वहां पे सेलर था जिसकी वजह से क्राउड अट्रैक्ट होती थी, जो कि फ्राइड ग्राउंड नट सेल करते थे. भूंजे हुए ग्राउंड नट्स होते हैं ना, बादाम जिसे हम बोलते हैं या मूंगफली जिसे हम बोलते हैं, वो बेचा करता था. तो वो अलग अलग नाम से रोज क्राउड को अट्रैक्ट करने की कोशिश करता था. फर्स्ट डे पे उसने बॉम्बे आइसक्रीम बोला, ठीक है, फिर दूसरे डे पे उसने डेली आलमंड बोला, तीसरे डे पे उन्होंने राजा डेलिकेसी बोला. तो इसकी वजह से हमेशा भीड़ वहां पे लगी रहती थी. अ कंसिडरेबल पोर्शन ऑफ दिस क्राउड डैलीड बिफोर द एस्ट्रोलॉजर टू. अगर अलग अलग दुकान अगल बगल दुकानों का बिजनेस चल रहा है तो इनफैक्ट जो बीच में दुकान है तो उसका तो बिजनेस चलना ही चलना है, जिसकी वजह से एस्ट्रोलॉजर को बहुत ही ज्यादा फायदा होता था. द एस्ट्रोलॉजर ट्रांजैक्टेड हिज बिजनेस बाय द लाइट ऑफ अ फ्लेयर व्हिच क्रैकल्ड एंड स्मोक्ड अप अबव द ग्राउंड नट कीप नियर बाय. तो वो एक स्ट्रीट लाइट जो होती है ना, लैंप लगा होता है, उसके नीचे अपना बिजनेस किया करते थे, जिसमें क्या होता था कि वो जो ग्राउंड नट फ्राई करने के समय जो धुआं होता था उसकी वजह से कभी लाइट कम हो रही है, डिम हो रही है, ज्यादा हो रही है, डिम हो रही है, ज्यादा हो रही है, जिसकी वजह से एक अलग ही सीन मिल जाता था एस्ट्रोलॉजर्स के सेटिंग को. ओके, हाफ द एंचांटमेंट ऑफ द प्लेस वॉज ड्यू टू द फैक्ट दैट इट डिड नॉट हैव द बेनिफिट ऑफ म्यूनिसिपल लाइटनिंग. तो ये जो एस्ट्रोलॉजर का एंचांटमेंट होता था ना, मैजिकल फीलिंग जो देता था, वो किसकी वजह से हो रही थी, क्योंकि वहां पे म्यूनिसिपल की लाइटनिंग थी ही नहीं. द प्लेस वॉज लिट अप बाय शॉप लाइट्स. अगल बगल की जो दुकानों में लाइट लगी थी उसके वजह से वो वहां पे क्राउड जो भी वो जहां जगह थी वो लिटअप होती थी. वन और टू हैड हिसिंग गैस लाइट्स, सम हैड नेकेड फ्लेयर स्टक ऑन पोल्स, सम वर लिट अप बाय ओल्ड साइकिल लैंप्स एंड वन और टू लाइक द एस्ट्रोलॉजर मैनेज विदाउट लाइट्स ऑफ देयर ओन. तो कुछ लैंप्स लगाते थे, कुछ पोल्स पे लगाते थे, कुछ साइकिल लाइट्स रखते थे और कुछ ऐसी स्टॉल्स थी जो लाइट लगाते ही नहीं थे जैसे कि एस्ट्रोलॉजर्स. It was a bewildering crisscross of light rays and moving shadows. देखो इतनी सारी लाइट होती है, आपने इनफैक्ट क्रिकेट स्टेडियम भी देखा होगा कि एक ही क्रिकेट स्टेडियम में अलग अलग जगह से इतनी लाइट लगाई होती है कि एक बंदा अगर बीच में खड़ा है तो मल्टी
मल्टीपल शैडोज उसकी दिखाई देती हैं। तो सेम केस उस शॉप या उस सीन में भी हो रहा था, उस टाउन में भी हो रहा था। दिस सूटेड द एस्ट्रोलॉजर वेरी वेल फॉर द सिंपल रीजन दैट ही हैड नॉट इन द लीस्ट इंटेंडेड टू बी एन एस्ट्रोलॉजर व्हेन ही बिगेन लाइफ। अब ये तो एस्ट्रोलॉजर्स के लिए बड़े ही फायदेमंद की बात थी, क्यों? पहली बात तो जो एस्ट्रोलॉजर है वो कभी एस्ट्रोलॉजर बनना ही नहीं चाहता था, उसने कभी ऐसा सोचा ही नहीं था कि वो एस्ट्रोलॉजर का काम करेगा। एंड ही न्यू नो मोर ऑफ व्हाट वाज गोइंग टू हैपन टू अदर्स देन ही न्यू व्हाट वाज गोइंग टू हैपन टू हिमसेल्फ इन नेक्स्ट मिनट। उसको यही बात नहीं पता थी कि उसके साथ अगले मिनट में क्या हो रहा है, तो वो क्या दूसरों को बताता कि फ्यूचर में उनके साथ क्या होगा। ठीक है, He was as much a stranger to the stars as were his innocent customers. तो वो stars कहने का मतलब जो astrologer stars use करते हैं ना, तो जितना stranger ये उनके लिए था उतना ही stranger वो customers उन stars के लिए थे। यहाँ पे ही comparison किया गया। Yet he said things which pleased and astonished everyone. लेकिन इसमें अलग ही खासियत थी, एक मजा था कि जो भी ये बातें बोलता था ना कस्टमर्स को, वो उनको चौंका देती थी। पता नहीं इसको, पता नहीं क्या होने वाला है, क्या आगे हुआ है, क्या पीछे हुआ है, लेकिन जो भी ये बातें कन्वे करता था कस्टमर्स को, जो भी इसके पास आते थे, वो उनको शॉक कर देती थी। दैट वॉज मोर अ मैटर ऑफ स्टडी प्रैक्टिस एंड श्रूड गेस वर्क। तो ये जो मैटर है ना बेटा, ये एक स्टडी प्रैक्टिस के वजह से और गेसिंग वर्क के वजह से हुआ। ऐसा नहीं है कि उसने बहुत ज्यादा पढ़ाई की है, उसमें स्टडी किया, उसमें कुछ किया, डिस्कवरी किया, नहीं। सिंपली उसने प्रैक्टिस की है, उसने अपना कॉमन सेंस लॉजिक यूज करके ये एस्ट्रोलॉजर बनने से काम से पैसा कमाया है। ऑल द सेम इट वॉज एज मच एन ऑनेस्ट मैन्स लेबर एज एनी अदर एंड ही डिजर्व द वेजेस ही कैरिड होम एट द एंड ऑफ द डे। तो जैसे लेबर कैसे काम करके अपने मेहनत की कमाई लेके जाता है, तो काइंड ऑफ हमारा एस्ट्रोलॉजर भी वैसे ही था, जहां पे वो दिन भर मेहनत करता था और वो कमाया हुआ पैसा, मतलब वर्थ इट, जो भी उसका डिजर्व करने वाला पैसा था, वो घर पे लेके जाता था। तो बेटा इस पार्ट में हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा राइटर का और हमने सीन सेट किया कि किस तरह हमारी स्टोरी मालगुड़ी गांव के सीन में सेट हुई है और हमारे एस्ट्रोलॉजर से हमें इंट्रोड्यूस कराया गया, जो कि हमारे स्टोरी के प्रोटैगनिस्ट हैं। आगे की स्टोरी हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। इफ यू रियली लाइक द वीडियो, डू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब फॉर लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। डू शेयर विद ऑल योर फ्रेंड्स एंड इफ यू रियली लाइक द वीडियो, लेट अस नो इन द कमेंट बॉक्स। यू कैन फॉलो अस ऑन वेरियस प्लेटफॉर्म्स शोन ऑन द स्क्रीन। सो बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।